In the earlier days when atom was first discovered, various scientists gave their own atomic models. Welcome to Science Pedagogics, Science Made Easier. And our today's topic is Thomson's atomic model and Rutherford's atomic model. Before proceeding, I would like to thank you all for your support, as your support matters a lot in this journey. Also, let us know in the comment box what are the other videos we can make for you. Hello students, children, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. In our previous videos, we have studied that Dalton's atomic theory, and one of the postulate of this theory tells that atom is the smallest indivisible particle of matter. कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटम इज स्ट्रक्चरलेस. बट बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज प्रूव्ड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. 19th सेंचुरी में ये प्रूफ हो गया था कि एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है, और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम क्या क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, वेयर एज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज. Okay, so by the discovery of electrons and protons, now the next problem in front of the scientist is that how these subatomic particles are arranged in an atom. Subatomic particles ki discovery ke baad jo next problem scientist ke samne thi, wo ye thi ki ye kis tarike se kisi bhi atom mein subatomic particles arrange hote hain. So all the scientists, that is those who are related with the chemistry and physics, they started work upon that one, कि किस तरीके से इनका arrangement होता है, एक atom का structure कैसे होता है. And in this series, the first that we can say the first success achieved by, that is the scientist J.J. Thomson. J.J. Thomson जो है वो एक British scientist थे. इनको सबसे पहले एटम का स्ट्रक्चर जानने में सफलता मिली और इन्होंने एक अपना मॉडल दिया, एंड दैट मॉडल इज नोन एज जे.जे. थॉमसन मॉडल, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लम एंड पुडिंग मॉडल. इनके मॉडल को प्लम और पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है. ओके, द अनदर नेम इज वाटरमेलन मॉडल, क्योंकि इन्होंने जो मॉडल दिया वो एग्जैक्टली एक वाटरमेलन के तरह ही था, मीन्स सिमिलर था. ओके, सो फॉर फर्स्ट साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज जे.जे. थॉमसन, और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे. इन्होंने जो मॉडल दिया उसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, और इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द जे.जे. थॉमसन मॉडल. ओके, अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर. जे.जे. थॉमसन के अकॉर्डिंग जो है वो एटम क्या है, इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर. ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट विच ही गेव इन हिज मॉडल, दैट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर और लेस यूनिफॉर्मली. अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से. अकॉर्डिंग टू जे.जे. थॉमसन, in 1898 द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, और वी कैन से वाटरमेलन मॉडल. According to this model, atom is a positively charged sphere. Atom क्या होता है, किसकी तरह है, एक positively charged sphere की तरह. So let us, we can draw this model. ये एक sphere है और इस पे charge कौन सा है, positive charge. Okay? It carries positive charge. In which electrons are distributed more or less uniformly.
electrons, suppose let us suppose that these are the electrons which are distributed in this positively charged sphere. So this was the model of Thomson's, given by Thomson's. Second point, that total magnitude of positive charge is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. इट मीन्स उसने ये बताया कि एटम जो है एक स्फीयर की तरह है. ये स्फीयर बना है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ये जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ये भी जरूरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्मली. मोर और लेस वी कैन से दैट दीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. और टोटल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरीके से है कि टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. इट मीन्स Atom is neutral in nature. अब उसने ये तो बता दिया कि एटम जो है न्यूट्रल होता है और ये हम स्टडी कर चुके हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दीज आर न्यूट्रल इन नेचर. सो फर्स्ट पॉइंट इट इज क्लियर. एंड दिस मॉडल वॉज एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन 1900th century, मीन्स 1906, अनदर साइंटिस्ट वैन ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट वॉज द रदरफोर्ड. मतलब 1898 से लेके 1906 तक जो है वो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को एक्सेप्ट किया कि एटम जो है वो इसी तरीके का होता है. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, कि अगर हमने किसी भी चीज़ को नहीं देखा है, मान लो 4 or 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी है, तो हर जो है स्टूडेंट वो अपने हिसाब से मैन्युपुलेट करता है, इमेजिंग करता है कि हाँ ये चीज़ वैसी होगी, ये चीज़ वैसी होगी. तो इन द सेम वे साइंस में भी जब एटम्स की डिस्कवरी हुई, एटम की डिस्कवरी होने के बाद डॉल्टन ने पोस्टुलेट्स दिए कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो इंडिविजिबल है. बट उसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो किसी को भी नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा. अब साइंटिस्ट ने रिसर्च वर्क किया और रिसर्च वर्क करने के बाद हर साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, जो ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिली उनके बेसिस पर उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रपोज किए. तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे दैट इज जेजे थॉमसन और उन्होंने जेजे थॉमसन मॉडल दिया. अब इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल क्यों कहा जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन. कि उन्होंने बताया कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है वो एक तरीके से पुडिंग में है. जैसे पुडिंग के अंदर हम काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, तो उन्होंने पुडिंग को तो कंपेयर किया स्फीयर से, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनको उसने कंपेयर कर दिया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से. ओके, सेकेंड इज वाई इट इज कॉल्ड एज वाटरमेलन मॉडल. अब अगर अपन वाटरमेलन मॉडल के देखते हैं तो वाटरमेलन कैसा होता है, रेड कलर का एक स्फीयर है. ओके, रेड स्फीयर के अंदर सीड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेड स्फीयर को उसने कंपेयर कर दिया दैट इज पॉजिटिवली चार्ज से, और उसने जो सीड्स हैं उनको कंपेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से. तो थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये मॉडल दिया. But when the another scientist, because they were also try to explain the model or the structure of atom, तो उसमें से जो second scientist था उनका नाम था Rutherford, Ernest Rutherford. वो एक New Zealand और British के scientist थे. उन्होंने ये बताया कि जो उनकी जितनी भी observations थी, उन्होंने जो experiments किए atom के basis, atom की structure को study करने के लिए जो उन्होंने experiments किए, वो experiments के observation जो हैं वो इससे रदरफोर्ड के मॉडल से कहीं भी मेल नहीं खाते थे. मीन्स इनके रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं था. इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन इधर इन द थॉमसन्स मॉडल और इन द रदरफोर्ड मॉडल. सो द सेकेंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वॉज मेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड. सो द सेकेंड मॉडल वी विल स्टडी इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड. ये इनका मॉडल है और ड्रॉबैक और लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल के, दैट इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. क्लियर. सो सेकेंड मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल. चिल्ड्रन, रदरफोर्ड मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस, बिकॉज ये जो रदरफोर्ड मॉडल है इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट की स्टडी करेंगे कि क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. ओके, ऑब्जर्वेशंस क्या थे उसके, ऑब्जर्वेशंस के बाद में उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था, एंड कंक्लूजन के बाद में लास्ट में उन्होंने एक्चुअल मॉडल क्या दिया था. सो दिस मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर द क्लास 9th. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. अब जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने अकेले ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था,
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था वो किया था 1906 में। 1906 में ये कुछ बहुत ज़्यादा खास उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ऑब्जर्वेशंस थी, मीन्स जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं था एक्सपेरिमेंट जो था। इसके बाद उन्होंने सेकेंड टाइम अपने दो स्टूडेंट्स दैट इज ग्रीगर एंड सेकेंड इज अर्नेस्ट ओके मार्शल, ये जो दो स्टूडेंट्स थे इनके हेल्प से इन्होंने वापस से ये एक एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और वो था ईयर दैट इज 1911। 1911 में इन्होंने दो स्टूडेंट्स के हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट वापस उन्होंने प्रूव किया, वापस एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो जो मॉडल है उसके हम ईयर जो देखते हैं वो स्टडी करते हैं 1911 में। ओके सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ही टुक अ गोल्ड फॉइल, उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक गोल्ड फॉइल ली। ओके वी विल लर्न इन डिटेल दैट व्हाई ही सेलेक्टेड द गोल्ड फॉइल ओनली फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो है वो इस एक्सपेरिमेंट के हम बहुत माइन्यूटली स्टडी करेंगे। ही टुक अ गोल्ड फॉइल, क्लियर। सेकेंड, ही बम्बार्डेड एल्फा पार्टिकल्स, व्हाट पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स ऑन दिस गोल्ड फॉइल। अब एल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं, एल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। एल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, आई विल राइट हियर, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम आयंस। यानी अगर हम थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 2। ओके अगर हीलियम के एटम से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पहले ही हो चुकी थी, तो अगर हीलियम के एटम से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएंगे, दो एटॉमिक नंबर है यानी दो प्रोटॉन्स हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल कन्वर्ट इंटू Hg2+ आयन एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्फा पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहते हैं, एल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया, मींस बौछार करवाई इस गोल्ड फॉइल पर। तो इसके लिए हमने अल्फा पार्टिकल ले लिए, गोल्ड फॉइल ले ली। सेकेंड थिंग चिल्ड्रन, अल्फा पार्टिकल बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया, सिर्फ प्रोटॉन बचे। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहीं से भी ले लिया, कहीं से परचेज कर लिया, कहीं से कलेक्ट कर लिया, दीज अल्फा पार्टिकल्स के लिए हमें सोर्स चाहिए। तो इनका सोर्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स क्या है, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बिस्मिथ ले लिया, बिस्मिथ इज आल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके तो अल्फा पार्टिकल के सोर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया बिस्मिथ। ओके अब बिस्मिथ जो है वो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव मीन्स इसमें से जो रेज हैं वो कंटिन्यूस निकलती रहती हैं, ये जो है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड भी होते रहते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डायरेक्टली ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही रखेंगे तो वो रेज निकलनी शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए हमें एक बॉक्स भी चाहिए। तो उसने जो है मीन्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक लैड का बॉक्स लिया, उसने लैड के बॉक्स के अंदर जो है वो इसके सोर्स को रख दिया। ओके लैड के बॉक्स में, दिस इज द लैड बॉक्स, यानी लैड के कंटेनर में उसने बिस्मिथ का एलिमेंट रखा। ओके बिस्मिथ एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस है। ओके अब इसको बॉक्स को, उसने लैड का बॉक्स ही क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज लैड इज द एलिमेंट, लैड इज द मेटल विच एब्जॉर्ब्स रेडियो एक्टिव रेस। मतलब लैड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेडियो एक्टिव रेस को एब्जॉर्ब करता है। तो अब इससे क्या होगा कि ये रेडियो एक्टिव रेस जो है वो एनवायरमेंट में नहीं जाएंगे, जितनी भी रेस निकलेंगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है इनका बम्बार्डमेंट कराना है गोल्ड फॉइल पर। ओके इसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत हल्की सी स्लिट छोड़ दी। स्लिट छोड़ने का मतलब एक
ताकि एक इसमें से जो रेडियोएक्टिव रेस निकलेंगी वो एक बीम के रूप में निकलेंगी, ऐसा नहीं है कि पूरे बहुत रेस निकलेंगी, रेस नहीं चाहिए थी हमें एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें क्या चाहिए था, एक बीम। तो उसके लिए उसने ये जो लैड का कंटेनर है, इस लैड के कंटेनर में उसने एक स्लिट छोड़ा ताकि रेडियो एक्टिव रेस की सिर्फ एक बीम निकले, हमें रेस अलग अलग डायरेक्शन में रेस नहीं चाहिए थी उसे। ओके, सो यहाँ पर हमने एक उसने एक स्लिट छोड़ दी। अब जब स्लिट छोड़ेंगे तो रेडियो एक्टिव रेस जो है वो इस पर से निकलेगी। क्लियर? सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस वन। नाउ द सेकेंड पॉइंट, दैट वाई ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल। अब उसके लिए वो सिल्वर भी ले सकता था, प्लेटिनम भी ले सकता था, कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी, इतनी सारी मेटल्स में से रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड फॉइल को ही सेलेक्ट क्यों किया? उसका रीजन ये है, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल, गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल। और उसने जो गोल्ड फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, सिल्वर फॉइल होती है, इसी तरीके से उसने गोल्ड फॉइल बनाई। और इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 10^-6 मीटर। इसकी थिकनेस उसने सिर्फ इतनी पतली रखी, यानी ये जो गोल्ड फॉइल थी वो इतनी ज़्यादा थिन थी और इतनी महीन थिन थी कि ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि गोल्ड फॉइल गोल्ड एटम से बनी है और इसके अंदर जो है सिर्फ एटम्स की एक सिंगल लेयर है। मीन्स वी कैन अज्यूम दैट दिस गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ एटम्स, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मैल्युएबल, एटमिक साइज भी इसका काफ़ी बड़ा होता है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल को, गोल्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। अब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट जब इस पर होगा, और ये बहुत ही थिन शीट है, अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, तो वो क्या करेंगे कि या तो इसको क्रॉस करके निकल जाएंगे। मीन्स एजम्पशंस अगर हम माने कि अगर हमने ऐसा किया, आप किसी भी मान लो एक पतली सी शीट है, ग्लास की शीट है, अगर आपने उस पर गोली चलाई तो गोली या तो उसको क्रॉस करके निकल जाएगी, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो वो गोली उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस गोली उसके अंदर फंस के रह जाएगी। फायरिंग अगर हम करते हैं तो मे बी देर आर डिफरेंट एजम्पशंस। तो उसने क्या किया कि ये सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल इनको क्रॉस करके निकल जाते हैं, रेडियो एक्टिव है, ओके, तो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, या इन गोल्ड फॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया, या वो टकरा के वापस आ गए, या वो किसी और डायरेक्शन में चले गए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर टू मच स्मॉल कि विजिबल तो है नहीं। उसके लिए उसने एक सर्कुलर कॉइल के अंदर इसको, मीन्स एक सर्कुलर बॉक्स में, जस्ट इमेजिन कि उसने एक सर्कुलर बॉक्स के अंदर जो है इस गोल्ड फॉइल को रख दिया। ओके, इस सर्कुलर बॉक्स के अंदर उसने इस गोल्ड फॉइल को रख दिया। क्लियर? अब ये सर्कुलर बॉक्स जो है लेड का नहीं बना हुआ था, ये एक्चुअली बना हुआ था जिंक सल्फाइड का। किसका बना हुआ है ये? जिंक सल्फाइड। ओके, अब जिंक सल्फाइड, क्योंकि अगर अपन लेड का बॉक्स लेते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हमने पढ़ी ली कि लेड की अच्छी होती है, इसीलिए हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि सोर्स है अल्फा पार्टिकल को उसमें रखा है। तो उसकी बजाय उसने क्या किया, जिंक सल्फाइड का। तो जिंक सल्फाइड का जब उसने इसमें पूरे शेल के अंदर इस गोल्ड फॉइल को रखा, तो उससे क्या होगा कि जिंक सल्फाइड पर अगर अल्फा पार्टिकल्स टकराएंगे गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके या नहीं क्रॉस करके, किसी भी तरीके से टकराएंगे, तो वो यहाँ पर एक ग्लो करता है, ये शीट क्या करती है, ग्लो करती है। तो उससे ग्लो करने से पता चल जाएगा कि ये अल्फा पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी हो सकते हैं। ओके, इस तरीके से तो उसने जिंक सल्फाइड के एक शेल के अंदर इस गोल्ड फॉइल को रख दिया। क्लियर? दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट दैट वॉज डन बाय इन द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड एंड ग्रेगर एंड अर्नेस्ट इन 1911, एंड दिस इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसको सिर्फ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके, वॉट इज दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट ही टुक अल्फा पार्टिकल्स, ओके, एंड बम्बार्डेड दीज अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। वाई ही सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल, बिकॉज गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल, गोल्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल मेटल है, हम उसकी थिन शीट्स बना सकते हैं। वॉट आर एल्फा पार्टिकल्स, एल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इट मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Hg2+ में, एंड दीज आर कॉल्ड एज एल्फा पार्टिकल्स। ओके, अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में
बिस्मिथ उसने सेलेक्ट किया और ही कुड सेलेक्ट एनी अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑल्सो. अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनमें सेल्फ डिजनरेशन की कैपेसिटी होती है, तो उसको हम ओपन में नहीं रखते हैं. और अगर अपन ओपन में रखेंगे तो जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी. बट उसे क्या चाहिए था, एक बीम ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की एक बीम चाहिए थी. तो उसने इन रेडियो जो एलिमेंट है उसको लैड के बॉक्स में रखा. व्हाई ही सेलेक्टेड लैड बॉक्स, बिकॉज लैड इज अ गुड अब्सॉर्बर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज. यहाँ एक स्लिट छोड़ा ताकि एक बीम जो है रेडियो एक्टिव बीम हमें मिल सके और ये गोल्ड फॉइल के ऊपर जो है वो बम्बार्डेड अलाउ किया. अब उसने गोल्ड फॉइल को एक जिंक सल्फाइड की सर्कुलर कॉइल में रखा, सर्कुलर कंटेनर में रखा, बिकॉज व्हेन द अल्फा पार्टिकल्स हिट दिस जिंक सल्फाइड लेयर इट विल स्टार्ट्स ग्रोइंग. तो ये क्या करता है, ग्लोइंग करता है. तो जहां पर भी ग्लो करेगा, जहां पर भी फ्लैश लाइट होगी, वहां पर ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स ने हिट किया है. सो दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट. अब ये एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बॉइल वाटर, वेरी सिंपल, बबल्स बनते हैं, स्टीम बनने लगती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है. ओके, सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. क्लियर. व्हेन वी मिक्स कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना पत्थर है उसको आप पानी में मिक्स करोगे तो टेम्परेचर राइज होता है. ओके, कलर चेंज हो जाता है, डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है, केमिकल रिएक्शन क्लियर पता चलती है. तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन, दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन. अब जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया ऑब्वियसली कुछ ऑब्जर्वेशन मिली होंगी. सो ऑब्जर्वेशन इज दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स moved straight through gold foil. पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उनका कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है, मीन्स 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल को स्ट्रेट क्रॉस कर गए. ओके, विदाउट एनी डेविएशन, कि मतलब कोई भी डेविएशन नहीं हुआ उनके पाथ में, कोई भी डेविएशन नहीं हुआ. सेकेंड, दैट इज ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दिस इज द सिंबल ऑफ अल्फा, अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड विद सम एंगल, कि सिर्फ कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका डेविएशन हुआ. आई विल एक्सप्लेन ईच पॉइंट बेटा. थर्ड वन, दैट अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंड आफ्टर हिटिंग गोल्ड फॉइल, कि जो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स अगर अपन ये माने तो आउट ऑफ 1 out of 12,000, कि 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो गया गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद. ओके, नाउ दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सपोज करो बेटा कि ये गोल्ड फॉइल है. अब क्योंकि गोल्ड फॉइल इतनी थिन थी कि हमने ये माना कि सिर्फ एक ही जो एटम की लेयर है, यानी इस गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स की जो लेयर है वो सिंगल लेयर है. ओके, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उसने क्या ऑब्जर्व किए कि वो बिना किसी डेविएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पाथ है वो चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्रॉस कर गए. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रॉस कर गए. कितने, 99%. कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डेविएट का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आप किसी भीड़ में जा रहे हो, आपको आगे जाना है, तो आप थोड़ा सा टिल्ट होकर के अपना रास्ता बना लेते हो, पाथ आपका डेविएट हो गया, चेंज हो गया. तो इसी तरीके से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका क्या हुआ, डेविएशन हुआ, यानी थोड़ा सा इनका जो पाथ है वो इनका इस तरीके से टिल्ट हो गया. सेकेंड ऑब्जर्वेशन. थर्ड वन, अ फ्यू पार्टिकल्स, अ वेरी फ्यू पार्टिकल्स मीन्स 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड हो गया. रिबाउंड कब होता है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर, किसी भी दीवार पर आपने बॉल थ्रो करी तो उसे टकरा के वापस आपकी साइड में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिबाउंड होना. तो सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो उससे टकरा करके जो है वापस आ गया. क्लियर. ज्यादातर
डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, कुछ ऐसे थे जो टिल्ट हुए, बहुत हल्का सा टिल्ट हुए, क्लियर, जबकि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस आ गया। दीज आर द थ्री ऑब्जर्वेशंस। नाउ जब हम किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस मिली, तो हम कंक्लूजन भी निकालते हैं, किसी भी चीज को देख करके हम कंक्लूजन भी निकालते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस रदरफोर्ड मॉडल इज व्हाट आर द कंक्लूजन्स। अब ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस थी उनके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला। सो लेट अस डिस्कस दैट कंक्लूजन मेड बाय रदरफोर्ड। फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। अब अगर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए तो उसका क्या रीजन रहा होगा? कंक्लूजन उन्होंने भाई साहब ने निकाला, दैट इज रदरफोर्ड ने, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट कंक्लूजन कि जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट इसलिए चले गए बिना किसी डायरेक्शन के, क्योंकि अगर ओपन स्पेस है, कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो हम स्ट्रेट चले जाएंगे। ओके, सो इन द सेम वे अल्फा पार्टिकल्स भी जो है वो स्ट्रेट इसलिए चले गए क्योंकि एटम में कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं था, यानी एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ओके, सेकेंड, ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड। अब डेविएटेड हुए, इसको आप वापस से समझिए कि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या था, Hg+2 पॉजिटिव चार्ज था। ओके, डेविएट होने का रीजन क्या है? उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि एटम में जो है वो एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, ये एटम है और इस एटम के अंदर एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज एरिया है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में जो है पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, दैट इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स पहले ही डिस्कवर हो गए थे। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेगा तो सेम चार्जेस में रिपल्शन होता है और इस रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द सेंटर पार्ट और उसने इस सेंटर पार्ट को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट भी जाता है रदरफोर्ड को, ही वॉज ऑल्सो नोबेल प्राइज विनर, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। रदरफोर्ड जो है उनका हमारी साइंस में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसलिए उन्हें जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रदरफोर्ड मॉडल से। तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पार्ट है एटम का और वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब जब हीलियम आयंस जो पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास से जाएगा तो रिपल्शन होने के कारण ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जा पाएगा, इसमें डेविएशन हो जाएगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन ही मेड द कंक्लूजन दैट इन एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस क्यों नाम दिया, क्योंकि सेंटर में है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर विच इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। नाउ द थर्ड ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड। 12,000 में से अगर एक ही रिबाउंड होता है तो इमेजिन करो बेटा कि ये एक एटम है और इस एटम का न्यूक्लियस मान लो इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा साइज का न्यूक्लियस होगा तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड होने चाहिए थे। ओके, बट अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम रिबाउंड हुए, सिर्फ एक ही हुआ आउट ऑफ 12,000, ज्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए, यानी ये जो स्पेस था वो क्या था, एम्प्टी। अब एम्प्टी स्पेस कब होगा, जब न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होगी, न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होगी तभी जो है वो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको गोल्ड एटम की फॉइल को क्रॉस कर जाएंगे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन ही मेड अ कंक्लूजन दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, के न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही छोटा है। ओके, और जो है डेंस प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा एक कंडेंस्ड एरिया में। कंडेंस्ड एरिया में क्या होगा कि अगर अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली इसको हिट करेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन इतना ज्यादा होगा
कि ये रिबाउंड हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा. सो ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, सो लेट अस रिवाइज अगेन. ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द गोल्ड फॉयल. उसने बताया कि जो एटम का जो स्पेस है वो ज्यादातर स्पेस क्या है, एम्प्टी स्पेस है. सेकेंड वन, इन एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर. न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और वो सेंटर में प्रेजेंट है. ओके, और उसकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी है. सो दीज आर द कंक्लूजन. अब कंक्लूजन हम जब निकालते हैं ऑब्जर्वेशन स्टडी करके, तो वो एक तरीके से प्रॉपरली अरेंज नहीं होते. ये हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन है तो ऐसा हो सकता है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही डिड, उसने जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उनके बिहाफ पर कंक्लूजन्स को जो है एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया. और प्रॉपर मैनर में अरेंज करके उसने जो है वो रदरफोर्ड मॉडल उसने प्रपोज किया. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी असाइनमेंट जब आप करते हैं, तो असाइनमेंट को टीचर को हैंड ओवर करने से पहले एक प्रॉपरली अरेंज करते हैं. डेट डाली, लाइन्स ड्रॉ करी, प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर्स चेक करते हो, मार्किंग्स मतलब आपने आंसर्स सही लिखे, तो वो एक अरेंज करके उसने रदरफोर्ड मॉडल किया. सो द नेक्स्ट इज दैट Rutherford model. Rutherford model. The first point that atom is made up of positive charge protons and नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. पहले उसने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना होता है. ये तो जे.जे. थॉमसन ने भी बताया था. सेकेंड पॉइंट दैट प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ द एटम. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. थर्ड पॉइंट, थर्ड जो उसने बताया, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. कि जो एटम का ज्यादातर स्पेस क्या होता है वो एम्प्टी होता है. नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्क्यूलर पाथ. कि उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्क्यूलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं. दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल. फर्स्ट, एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर, ये तो जे.जे. थॉमसन ने भी बताया था, तो कुछ नया नहीं है इसमें. अब उसने अरेंजमेंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट जे.जे. थॉमसन के मॉडल से डिफरेंट अरेंजमेंट उसने बताया. उसने क्या बताया कि प्रोटॉन जो है वो स्फीयर नहीं है, प्रोटॉन जो है वो एक सेंटर में प्रेजेंट होता है एटम के, और बहुत ही छोटी साइज होती है. जो न्यूक्लियस है उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है. ओके, और जो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम, कि एटम का जो ज्यादातर स्पेस है वो एम्प्टी है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली कुछ नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. एंड दिस इज द, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल. नाउ दिस मॉडल वॉज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, इट ऑल्सो हैव सम ऑफ द लिमिटेशंस. इस मॉडल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी. We will study the limitations of this model. कि भी ऐसी क्या कमियां रह गई थी कि हम रदरफोर्ड के मॉडल को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए. ओके, फर्स्ट लिमिटेशन और द ड्रॉबैक was point that अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, that is चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है. जस्ट इमेजिन दैट दिस इज न्यूक्लियस. ओके,
कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो ये एक एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। कौन सा मोशन हो गया? एक्सीलरेटेड मोशन। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन शो करता है तो ये कुछ अमाउंट में एनर्जी भी लूज करता है। एक्सीलरेटेड मोशन का क्या मतलब हुआ कि एनर्जी लूज होगी। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ एक्सीलरेटेड मोशन शो कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है। और एनर्जी रेडिएट करने के कारण क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में इस चार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इट विल लॉस इट्स एनर्जी। तो अगर उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई, देन व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये थोड़े टाइम के बाद में एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। न्यूक्लियस में जैसे ही कोलैप्स होगा तो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज से कंबाइन हो जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। एटम का क्या होगा? एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इट मींस द फर्स्ट ड्रॉबैक और द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल इज इट कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्लियर। सेकेंड पॉइंट वापस से बताती हूँ, सेंट्रल न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी इसमें से लूज होगी। तो एक पॉइंट, टाइम ऑफ पॉइंट ऐसा आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग के एक कॉर्नर पे पत्थर लगाते हो, छोटा सा स्टोन बांध के उसको ऐसे ऐसे रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद क्या होता है, जैसे ही आपने अपनी फिंगर को रोका, आपने जैसे ही अपने हाथ को स्टॉप किया, वो जो स्ट्रिंग है वो आपके फिंगर के चारों तरफ रैप हो जाएगी। सेम सिचुएशन विल हैपन हियर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, और कुछ टाइम के बाद जब एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी देन इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस और दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। बाकी सब सही था बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेंटर में न्यूक्लियस तो है बट इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से। सेकेंड थिंग, द सेकेंड इज दैट वन, उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमने ये तो पता ही है हमें कि इलेक्ट्रॉन्स में जो है वो मास नेग्लिजिबल होता है, मास सारा अपन मानते हैं प्रोटोन का। तो अगर किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो प्रोटोन के कारण है, बिकॉज टिल देन न्यूट्रॉन्स वर नॉट डिस्कवर्ड। रदरफोर्ड ने जब अपना ये मॉडल दिया था उस मॉडल के टाइम तक में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट यही एज्यूम कर रहे थे कि एटम में सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल है, यानी एटम का मास किस कारण से होना चाहिए था? न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स के कारण। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, इसका एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया गया था वो था 23 यूनिट। ओके, एटॉमिक मास है 23 पॉइंट समथिंग, बिकॉज हम जो है वो रिलेटिव वैल्यू ले रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू नहीं ले रहे, 23 यूनिट है। अब इसके अंदर टोटल होते हैं 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, यही प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब अगर 11 प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का जो अपना मास है उसको तो नेग्लिजिबल लेना, तो इसके तो मास को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सोडियम का एटॉमिक मास होना चाहिए था 11 यूनिट, बट कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 23 यूनिट आ रही है, दैट इज द मिसमैच, मैच ही नहीं कर रहा कि जितना होना चाहिए था उससे डबल से ज्यादा इसका सोडियम का एटॉमिक मास है। इट मीन्स ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाई इट हैपेंड। तो ये एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, थर्ड पॉइंट, अब एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो या तो सारा एक्सपेरिमेंट ही गलत था, बट एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन है तो हम उसको गलत तो नहीं मान सकते, मीन्स कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स और अपन को ऐड अभी उसमें करने हैं। थर्ड वन, ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस।
कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट मीन्स ये तो दोनों पॉइंट हैं, ये समथिंग या तो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन्स की या कुछ और सब पार्टिकल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, और वी कैन से दीज आर द थ्री लिमिटेशंस। और इस कारण से फिर एक नया और साइंटिस्ट थे, डिफरेंट साइंटिस्ट, दैट इज नील बोर, उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल में कुछ मैनिपुलेशंस किए, कुछ करेक्शंस किए, एंड देन ही प्रपोज्ड द न्यू मॉडल दैट इज नोन एज नील बोर्स मॉडल। उसके बारे में हम अपने अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। लेट अस समराइज द लिमिटेशंस। इट कुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज after some time the charged particles revolving in a circular path, it will radiate its energy, it will lose its energy and it will fall down in the center, that is nucleus, and there would be no existence of atom. Second, that he could not able to give the proper explanation, proper justification to, that is related with the atomic mass, mass of an atom. Third one, he could not able to explain the hydrogen spectrum, means the spectrum formed by hydrogen atom. So I hope children that this concept related with the Rutherford's model, J.J. Thomson's model, it would be clear to you. If you have any doubt, then you can write in the comment box so that I can help you out. And in our next video, we will discuss the some more models of the structure of atom, that is Niels Bohr's model, isotopes, isobars and many more things. So have a nice day. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And इस चैप्टर से रिलेटेड और वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पे शोन है, एंड प्लीज़ कीप अपडेटेड विद योरसेल्फ अबाउट आवर फर्दर वीडियोज़।